हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, जब हमने पुणे से मैंगलोर कोस्टल हाईवे ट्रिप की थी, उस टाइम पे हमने उडुपी विज़िट किया था। और उडुपी में बहुत सुंदर जगहें हैं जो आप विज़िट कर सकते हो। उनमें से मैंने हर प्लेस पे अलग से वीलॉग्स बनाए हुए हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मालपे सी वॉक और गार्डन कवर करेंगे, और उसी जगह से सेंट मेरीज आइलैंड को बोट्स निकलती है, तो मैं आपको उसके बारे में भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी। जो मेन मालपे बीच है, वहाँ से मालपे सी वॉक गार्डन इज़ जस्ट अराउंड 1.5 किलोमीटर्स, तो आप आराम से 7-8 मिनट में गाड़ी से वहाँ पर पहुँच जाओगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो सी वॉक गार्डन है, वहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो आप आपकी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस प्रीमाइसेस में ऑटो रिक्शा स्टैंड भी अवेलेबल है, तो अगर आप आपकी गाड़ी में नहीं आए हैं तो आपको यहाँ से जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ये आराम से मिल जाएगा। और ये जो सी वॉक गार्डन है, ये काफ़ी फेमस है इन उडुपी, तो जब भी आप उडुपी विज़िट करोगे आप यहाँ पे जा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं जहाँ पे आप अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये गार्डन एक बहुत ही सुंदर जगह है एंड इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स वगैरह, तो आप ओवरऑल फैमिली के साथ यहाँ पे एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, प्लस बहुत सारे शॉप्स है सेलिंग लॉट ऑफ बीच आइटम्स, हैट्स एंड सोवेनियर्स। हमने भी यहाँ से कुछ फ्रिज मैग्नेट्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी थी एंड इट वॉज फन शॉपिंग आउट हियर। एंड फ्रेंड्स, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ का जो मटका सोडा है वो ज़रूर ट्राई करना। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, और ये एक अर्थन पॉट में सोडा और थोड़ी मिर्ची, लेमन और कुछ मसाले डाल के बनाते हैं एंड द टेस्ट इज़ वेरी नाइस। वी रियली एन्जॉय दिस रिफ्रेशिंग ड्रिंक आउट हियर। और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक ट्राई करने के बाद आप यहाँ पे कुछ हैट्स और बीच आइटम्स वगैरह है वो चाहो तो ख़रीद सकते हैं, या आप यहाँ पे जो बोटिंग फैसिलिटी है, अगर आपको सेंट मेरीज आइलैंड विज़िट करना है तो आपको इसी प्लेस से उसके टिकट्स मिलते हैं। ये जो बोटिंग है, ये सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होती है शाम के 5:30 तक। यहाँ का जो टिकट है इट इज़ 300 पर पर्सन, और इट मे वेरी एज पर द सीज़न। और ये पूरी बोट राइड करके सेंट मेरीज आइलैंड घूम के वापस आने में आपको आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और ये जो वॉकवे है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि आपको इस वॉकवे पे दोनों साइड पे पानी दिखता है। एक साइड पे पूरी रिवर बहती है और दूसरे साइड पे अरेबियन सी है, तो इसके वजह से आपको जो यहाँ से व्यू दिखता है वो ब्रेथटेकिंग है। एंड द मोस्ट प्रिफर्ड टाइम टू कम हियर इज इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, बिकॉज उस टाइम पे धूप कम रहेगी एंड यहाँ पे काफ़ी हवा बहती है, सो इट्स अ नाइस प्लेस वेयर यू कैन कम एंड चिल आउट। और ये जो सी वॉक गार्डन है, ये सुबह 5 बजे ही खुल जाता है एंड इट इज़ ओपन टिल 8:30 इन द इवनिंग।
सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इट विल हेल्प यू टू प्लान अ वंडरफुल ट्रिप टू उडुपी। आप चाहो तो हमारे सभी वीलॉग्स देख सकते हैं जिसमें हमने उडुपी के बहुत सारे साइटसीइंग प्लेसेस कवर किए हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।